करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे, उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो और वो गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया। वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे बात कि नीट का पेपर लीक हुआ था, जब देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है।